चार दिन के बाद हमें कुछ नमकीन देखने को मिला और वो है समोसा। 100 रुपए के एक समोसे है, 100 रुपए का चाय। हम सिटी भाई सब और बेबी भी समोसे का इंतजार कर रही है। काफी टेस्टी है, इतना दिन बाद कुछ नमकीन मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। चलो भाई आज हमारा नया दिन का शुरुआत हो चुका है। सब रेडी, अपना अपना लगेजेस लेके। माँ डाबलम और हमारी प्यारी भी इधर रेडी हो चुकी है, सर भी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, गर्म पानी से नहाने के लिए 500 रुपये लगेगा, ठंडे पानी से नहाने के लिए 300 रुपये लगेगा। और यहाँ ये सस्ता है, आगे जाके ये बढ़ता जाएगा। बैटरी चार्ज 300 रुपया और ये पूरा हाई पीक रीजन। और इनमें सबसे बड़ा मिस्टर लाखरा गलबुर शेरपा, इनको अवार्ड दिया गया है खुम्बू आइसफॉल जो माउंट एवरेस्ट के रास्ते में आता है। उसे 1975 जो फर्स्ट डॉक्टर वहाँ पे 1990 तक लगभग 15 साल का सर्विस दिया है वहाँ पे, और काफ़ी मायने रखता है। और चूंकि माउंट एवरेस्ट के रूप में तो इसको पूरा नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और इनको देखो पूरा, क्योंकि जो भी एक टीम जाती है माउंट एवरेस्ट उसमें एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपको पूरा पीक तक लेके जाता है। तो वो यही थे, आपको उस फोटो में दिखा दिया जाएगा। ये हमारा एवरेस्ट हिमालयन रेंज, पूरा हिमालयन रेंज दिख रहा है जो हाईएस्ट पीक सब है यहाँ से। और ये रहा खुम्बू आइसफॉल। लोग पूछ रहे थे ना खाना में कैसे क्या कर रहे हो, कहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये देखो हमारा एक चपाती मिला है 420 रुपये का, मतलब एक रोटी मिला है 420 रुपये का, 700 रुपये का दाल चावल, और आपका वेज फ्राई है 700 रुपये का, और कॉफ़ी है 200 रुपये का, और बहुत कुछ ऐसा ही है जो आपको इस मीनू में देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी शॉकिंग है, सरप्राइज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जैसे हॉट चॉकलेट 200 रुपये का, क्या दिखाऊं सब देखो, 700-800 ब्रेड 770 रुपया, प्लेन टोस्ट 350 रुपया, चपाती 420 रुपया, प्लेन तिब्बतियन ब्रेड 560 रुपया, मोमो 600 रुपया, 600 रुपया में 8 मिलेगा। तो सबका सब ऐसे ही है, लेकिन बात यह है खाना मिल जाए यहाँ इस रास्ते पे, इस जगह पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निकल चुके हैं लगभग 1 घंटा हो चुका है नामचे बाज़ार से, और इधर का ट्रैक काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में 1,500 का ट्रैकिंग होगा बस, फिर आराम से हम लोग वॉक करते निकल रहे हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा है और छोटे छोटे यहाँ पे ऐसा पेड़ मिल जाता है। वैसे तो ग्रासलैंड पे आ जाएंगे, ट्री लाइन ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ट्री होता नहीं है, पेड़ होते नहीं है, तो ऑक्सीजन का भी कमी होगा। लेकिन ये छोटे छोटे पेड़ होने से भी काफ़ी हेल्प मिल जाता है। एक राहत तो मिल रहा है, मिस्ट है चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, लेकिन कोहरा ही कोहरा याद आया कुछ, लेकिन बारिश नहीं है। बारिश नहीं है तो खोल, थोड़ा जैकेट खोल सकते हैं, नहीं तो कल से क्या हो रहा था और पहले भी क्या हो रहा था, पूरा पसीना पसीना, और से अंदर का 3-3, 4-4 लेयर पूरा भीग जाता था, और बाहर बारिश हो रही थी, और उसके ऊपर से रेनकोट पहना होता था, तो जो पसीने का भींगा वो कपड़ा होता था हालत खराब हो जाता था बिल्कुल। ऐसे ऐसे जगहों पे पहुँच जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और इन जगहों पे देखो, यहाँ पे मॉनेस्ट्री बना हुआ छोटा सा, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए भाई मिले हैं हमको, और हिंदी गाना का दिल खुश हो रहा है इधर सुन के। और ये मैम जो इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से आ रहे हैं, हाँ इंग्लैंड से आ रहे हैं। और ये भी हमारे साथ EBC जा रही हैं। और इधर क्या बोले थे, यहाँ पे सामने भी वो मिलेगा एवरेस्ट पीक दिखेगा, एवरेस्ट लॉस से और अमर डबलम, ओके सब इसी रूट में, अगर क्लाउड नहीं होता तो साफ साफ दिखता। वाह 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 सही है। लेकिन अब कुछ दूर के बाद पूरा अगर मौसम ठीक रहा तो बहुत अच्छा व्यू दिखने वाला है। हम लोग ऐसे रूट से जा रहे हैं, है ना। हाँ इनका बहुत शौक है कि और भी सब रीजन को देखें, एक्सप्लोर करें। राइट, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर प्लेसेस। व्हाट्स योर नेम? Olivia. Nice to meet you, seriously. So when we get the companion to walk towards the Everest base camp or wherever in the high altitude tracks, it's get easier. Otherwise you have the lots of breathing problem. Oh, headache bhi aayega. Baki sab theek hai. Chalenge na. Se baatcheet karte hain masti se. Milte hain upar. Abhi lagbhag 2 ghanta hua hai wahan se shuru kiye hue, aur sabse bada appreciation ka baat, she told
वी हैव बीन लाइक 36 मीटर बिफोर राइट नाउ गोइंग मोर देन 8500 फीट सो हियर आई वांट टू से विल पावर इज एवरीथिंग विल पावर इज एवरीथिंग मेक योर ड्रीम ट्राई टू मेक इट पॉसिबल व्हाट एवर इट कॉस्ट एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है वो देखो पीक वो पूरा स्नोफॉल वाला ग्लेशियर वाला माउंटेन पीक वो क्या थामसेरकू ओ भाई साहब 6600 ओ इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू एंड वी आर सीइंग वेरी क्लोज दिल खुश हो गया देख के भाई वाह सभी स्टैंड से आ रहे काफी प्राउड फील हुआ इसे मिलके जो अप्रिशिएट करते हैं ये हमको बोल रहे हैं आई एम लाइक अ मशीन द वे यू आर वॉकिंग सो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अप्रिशिएट करना सो यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया गाइस बैकग्राउंड अब थोड़ा ठीक ठीक सा लग रहा है क्योंकि पहले तो ना कोई लोग दिखते थे बारिश का मौसम अब क्या है हर पीक सभी दिख जाता है और इतना मस्त सब नज़ारा देखो ये व्यू ओ ऐसा लगता है नीचे से खतरनाक सा कोई आग सा निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ वाह तुरंत कवर होता है मिस्ट से तुरंत खाली खाली देखते और इतना ज़बरदस्त व्यू और आज लगभग 4000 के आसपास पहुंच जाएंगे ये देखो भाई साहब खतरनाक खाई ये देखो प्यारी बच्ची ओ, रास्ते में कुछ कुछ दुकान मिल जाता है वाह 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 कितना प्यारी है फोटो निकालना आपके फोन में चलो बाय 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 टाटा देखो इतनी छोटी सी बच्ची काम कर रही है कपड़ा फैला रही है इतना छोटा सा बच्चा काम कर रही है घर में हाय देखो प्यारी तो गाइस ये है चेक पॉइंट सैनिक इलाका यहाँ पे चेक पॉइंट होता है जो परमिट का है सब कुछ पैसे वैसे चेक करने का क्या लेके जा रहे हो क्या है नहीं है बस वही ड्रोन सब चेक करता है कुछ इलीगल सामान समझ लो ये अंकल पोर्टर है सामान लेके जा रहे हैं 110 लीटर का ये बैग है काफ़ी हैवी है किसी फॉरनर का है क्योंकि बैग लेके जा नहीं पा रहा है ऐसे ये देखो कि थक तो गया हूँ पहली बार बैठा हो पिछले 3 घंटा के रास्ते में एवरेस्ट पे बहुत कॉस्टली है लोग एवरेस्ट ऐसे ही चढ़ जाए विदाउट ऑक्सीजन ऐसा कहा भी जाता है ना यू कैन गो टू माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन बट कांट विदाउट शेरपा ये हमारा नेपाल आर्मी कैंप है पीछे और एक यहाँ से चेक पोस्ट है और यहाँ से सामने का व्यू चेक करो भाई साहब क्या ज़बरदस्त हम लोग रेस्ट कर रहे हैं भाई लोग का इंतज़ार कर रहे हैं कितना देर तक पहुँचेंगे ये लोग लगता है रिसेंट में डेवलप किया गया है इन द एंड वी कंजर्व ओनली व्हाट वी लव सागरमाथा नेशनल पार्क कुछ तो बहुत खतरनाक सा है यहाँ पे देखिए तो बड़ा भूख रहा है चूँकि जंगली जानवर भी यहाँ होते हैं तो डर सा भी बना हुआ है लियोपार्ड भी होता है भालू भी होता है चीता भी है तो थोड़ा हाँ लेकिन कुछ कुछ दूर पे अब इधर से झरना उड़ना भी देखना बंद हो गया सिर्फ ग्लेशियर वाटर है ये है जो ये देखो जो हमें हमें हिम्मत देता है ना लेकिन इस तरह का चिड़िया का चहचहाना और कुत्ता का रैंडम उसकी एक्टिविटी से भी बहुत कुछ पता चलता है ना यहाँ इतना चढ़ाई के बाद कुछ रास्ते में मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है सुबह अपना कॉफ़ी लेके आए थे गर्म पानी लिए कॉफ़ी डाल के पी लिए तो बस उसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगा वही कॉफ़ी ऑर्डर करे होते तो 400 रुपये का आता और इस रास्ते में अगर आपको कोई 5 स्टार जैसे चॉकलेट दे दे
तो किसी अमृत से कम नहीं है, ये वरदान से कम नहीं है। इसमें 10 ग्राम का ये चॉकलेट है और आपको काफ़ी हैवी कैलोरीज देता है, प्रोटीन भी आपको बहुत मिलेगा। अभी देवोचे पहुंचने में 1 घंटा है अप्रॉक्स, और देवोचे में वहाँ से आधा घंटा और, तो लगभग 1.5 घंटा और है। वैसे हम बात कर रहे थे तेंगबूचे के बारे में, तेंगबूचे लोग कह रहे थे 2 घंटा का रास्ता है, लेकिन अभी भी हम लोग 2 घंटा चल चुके हैं और अभी भी रास्ता बाकी है। तो तेंगबूचे के बाद देवोचे आता है, और देवोचे के बाद आदमी कन्फ्यूज हो जाते हैं, देंगबूचे, देंगबूचे अलग प्लेस है। देंगबूचे में प्रॉब्लम ये है, अभी वहाँ कोई भी नहीं है, ना खाना बनाने वाला, ना कोई देखने वाला, और 5 घंटा ना आगे ना पीछे कोई भी नहीं है, कोई गांव भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत है वहाँ। कोशिश करते हैं इतना जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए, हाई एल्टीट्यूड में तो हमें भी कुछ रिलैक्स मिलेगा, बॉडी को राहत मिलेगा और बॉडी को एक्मोटाइज करने में भी आराम मिलेगा। पिछले 5 दिन से सिर्फ जंगल 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 में आए जा रहे हैं और अभी फाइनली लंबा ट्रैक के बाद पहुंच गए देंगबूचे। और ये देखो यहाँ का इतना ऊपर में इतना ख़तरनाक मॉनेस्ट्री, और सबसे ज़्यादा खुशी देखने वाली चीज़ यहाँ से दिखता है, देखो ये सरप्राइज, ये होता है सेटिस्फैक्शन यहाँ से। एवरेस्ट बेस कैंप मात्र 24 किलोमीटर, और हम लोग हैं 18 आवर्स, मतलब हम लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं यहाँ से, नाम से 4 घंटा 9 किलोमीटर था यहाँ से डिस्टेंस, टैंक बोचे 3 घंटा 3875 मीटर एलिवेशन पे टैंक बोचे है, वो लग रही है बिल्कुल हाथ में, हाँ हाथ सुन सा हो रहा था, सुन हो गया लगभग। अभी हम लोग 12,000 एल्टीट्यूड पे हैं, और ये मेरी प्यारी देखो कितना आराम से चल रही है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है, और हमेशा अपने आप में लीडरशिप है इसमें, चलो ना चल रही है, आगे तो बढ़ सकते हैं, है ना। इधर देखो अजीत, इधर देखो, या सी इज गोइंग टू बी आवर वर्ल्ड रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, है ना, एवरेस्ट एवरेस्ट सागर माथा। हम लोग पहुंच गए पोईबोचे, तेंगबूचे के बाद देवोचे, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, वहाँ हम लोग खाना खाए। टेम्परेचर ठीक है वैसे, अभी तो 3-4 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन ठंड कुछ खास नहीं है, अगर होता, अगर हवा तेज होता है तो फिर भी दिक्कत है। अभी देखो इस रीजन में कुछ कुछ ऐसा रिजॉर्ट होटल सब पड़ा हुआ है, जो कि पीक टाइम में खुलता है, और बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होता है यहाँ पे। और लेकिन अभी तक जितना भी भीड़ दिखा है मैक्सिमम हंगरी से थे, यूके से थे, कुछ अमेरिका से भी थे, स्पेनिश काफ़ी ज़्यादा थे, सऊदी अरेबिया से भी थे। और ये देखो पीछे का माउंटेन, ओह कितना ख़तरनाक पहाड़ दिख रहा है पीछे। अब आधा घंटा में पहुँचेंगे पांगबूचे, और जैसे कि ऊपर देख सकते हो अब बस ग्रीनलैंड सब दिख रहा है, हरा हरा घास, देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये देखो कितना एक लाइन से बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाता है ग्रास लैंड, सॉरी ट्री लैंड, और ऊपर कुछ हाइट के बाद ही ग्रास लैंड भी ख़त्म हो जा रहा है बिल्कुल हाई अल्टीट्यूड उधर से। और यहाँ से देखो यही है पांगबूचे का गेट, सब भाई लोग हमारा पूरा ग्रुप यहाँ, वो मेरी प्यारी देखो वहाँ बैठी हुई है, और हमारा सागर भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे अभी तक का जर्नी में। हाँ भाई, अभी तक की जर्नी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जितना सोचा उससे थोड़ा जल्दी आ गए, मेरे पैसा लग रहा है। हाँ, मेरे को लग रहा था तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, शाम 7:30-8 क्या बजेगा पता नहीं, लेकिन एक खुशी है कि अब जंगल खत्म हो गया, बारिश नहीं होगी, लेकिन दूसरी गम ये भी है कि अब पेड़ नहीं होंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगा, और एक जगह फायदा है दूसरी जगह थोड़ा। और भाई साहब ये देखो भाग दौड़ते हुए आए, ये दौड़ते हुए आए हम, पसीना पसीना छूट रहा है, कोई बोल रहा है 12-13 हज़ार फीट पे भी इतना पसीना, तो बनना हमें भी एक है सागर भाई, और वो एक सागर सर देखो पीछे से आ रहे मेरे गेट से। अब जंगल रीजन को करते हैं टाटा बाय बाय, चलते हैं हाई एल्टीट्यूड में,
और यहाँ देखो मेरी प्यारी, ये जा रही है हमारे साथ अदिति, और ये देखो अक्सर आगे बढ़िए। वैसे यहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड होता है, इसमें कुछ स्पेशल तरह का जड़ी बूटी और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग देशों में बहुत महंगा बिकता है। ये जो वाइट वाइट छोटा छोटा फूल देख रहे हो, ये सूख के एक ड्राई बनता है, उससे कुछ दवाइयाँ बनती है, और इसके लिए इसको फेंसिंग किया गया है। और ये सिर्फ इन्हीं सब जगहों पर होती है, क्योंकि इसमें भी लिमिटेड प्लेस ही है जहाँ पर ऐसा फेंसिंग किया गया है। ये देखो व्यू यहाँ का, वाह। और दस ग्लेशियर का वाटरफॉल आगे नदी बन के जा रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर में देख रहे हो ना पूरा, ये सब ये वही औषधि उगाने वाला कुछ, जो कैंसर में अलग अलग चीज़ों में उपयोग किया जाता है। वैसे एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं क्या क्या है वैसे इसमें, लेकिन बस यही बताया गया है कि इस रीजन में, सिर्फ इसी रीजन में ये चीज़ का अवेलेबिलिटी है। और गाइस अभी हम लोग यहीं रुकने वाले थे, व्यू पॉइंट लॉज पैंगबोच है, 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे है, लेकिन अभी मौसम साफ़ है, आराम से ऊपर तक जा सकते हैं, उतना थकान भी नहीं लग रहा है, तो इसका यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ऊपर तक जाएँ और हमारा बॉडी अडॉप्ट कर सके, पूरी तरह से एक्लोमेटाइज हो पाएँ ऊपर। और यहाँ का कुछ कुछ चीज़ ये हमारा लॉज होता, हमने टारगेट वही रखा था, लेकिन टाइम से पहले पहुँचा तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। और ये देखो इनका मशरूम एंड फूड इज मेनू। हाँ चलो आज निकलते हैं लंबा ट्रैक पे, टारगेट था टैंगबोचे में, मैं नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोर और लेस जो भी नामचे से आते हैं सब टैंगबोचे में रुकते हैं, हम लोगों में टैंगबोचे में नहीं रुका, उससे आगे बढ़े दीबोचे, और दीबोचे में किया लंच क्योंकि और ज़्यादा चल सकते थे, तो आए पैंगबोचे में अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो उसको पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। हाँ चलो भाई, ये देखो आज सामने एक गाँव दिख रहा है, शायद वही हमारा डेस्टिनेशन है। वैसे तो कहा गया था कि लगभग एक घंटा का ट्रैक, अभी का टाइम हो रहा है 5:41, सुबह शुरू किए थे 4:30 बजे से, ओ भाई साहब, और बीच में लगभग हाफ एन आवर टू वन आवर रुके होंगे खाने के लिए डेबोलिंग में, सॉरी कहाँ डेबुचे वहाँ। तो वैसे जनरली जो कुछ भी टूरिस्ट आता है लुकला से नामचे, नामचे से ताबुंगचे, वहीं रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ तक ये भी नहीं, इसे चलना चलता है वो पहले ही दिन में आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि आज का वेदर थोड़ा अच्छा था, हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। यहाँ 4200 के अप्रॉक्सीमेट थोड़ा एक्रोमेटाइज भी कर लेंगे और बॉडी भी कंफर्टेबल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चल भी लेंगे। बस कोशिश वही रहेगी कि अपने टारगेट से पहले फ्लैग होस्ट करें अपना। और ये देखो ये सब ग्लेशियर वाटर है, हमारे उमा भाई काफ़ी एफर्ट लगा के देखे, जितना भी कुछ मोटिवेशन मिलता है मेरे को इन्हीं को देख के मिलता है, ये साइकिल लेके इस रोड में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और काबिल तारीफ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, विल पावर इज़ एवरीथिंग। फाइनली पहुँच गए हम लोग समेरी, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सिलेरी से समेरी मात्र 5 दिन में पहुंच गए ट्रैक करते हुए। ऑन एवरेज ये 8 दिन का ट्रैक होता है, और सबसे ख़तरनाक जो आज हमारा ट्रैक था वो नामचे से समेरी लगभग 2 से 3 दिन लोग को लगता ही है। हमारा सुबह 6:30-7 बजे ट्रैक शुरू हुआ था, अभी बज रहा है 6:15, वाह अनबिलीवेबल। लेकिन ऐसा था, पहला दिन का ट्रैक था वो टफ लग रहा था, दूसरा दिन का थोड़ा सा और, लेकिन अब सब आसान लगने लग रहा है। सुमोरे, लेकिन पूरे गांव में कोई दिख नहीं रहा है, शायद इसी चीज़ का डर था कोई ना कोई तो मिल जाए। घर खुले हैं, दुकान खुला है, लेकिन लोग कोई दिख नहीं रहा अभी तक, एक एक घर जाके देख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये हमारा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रैक था नामचे से समारे, जितना भी फॉरेनर साथ में आ रहे थे वो हंगरी वाले, यूके वाले, सऊदी वाले, सब के सब टेमोंचे में रुक गए। डेबोचे तक मैक्स टू मैक्स पे पहुंचता है, और हम लोग
लगभग 2 से 3 दिन का ट्रैक जो होता है, 2 दिन भी जिसको फिट है वो उसके लिए होता है। हम लोग इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए क्योंकि वेदर अच्छा था आज का। अभी थोड़ा ख़राब हो रहा है, थोड़ा बॉडी को एक्लोमेटाइज कर लें और अपने टारगेट तक पहुँच जाए। Gracias.